डॉक्टर दीपक सिंह, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरासाइट मेटाजोआ हेलमिंथ बोलते हैं इसको, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राउंड वर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जूलॉजिकल नाम एस्केरिस लम्बिनक्वाइड डिजीज को बोलते हैं एस्क्रियसिस। ये बहुत कॉमनेस्ट है, कॉमनेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ये मिलते रहता है। ये कभी दो मिलता है तो कभी चार, कभी दस तो कभी बीस, इतना तक मिल जाता है ये पैरासाइट। ये जो पैरासाइट है इसका जो क्लास है ना, उसको बोलते हैं निमेटोड कहते हैं। निमेटोड होस्ट, सिंगल होस्ट में लाइफ पूरा होता है इसको, इसलिए हम लोग मोनोजेनेटिक बोलते हैं। मोनोजेनेटिक यानी एक ही होस्ट में से लाइफ कंप्लीट हो जाती है। वो कौन है? मैन। हैबिटेट, हैबिटेट में बस इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहीं के बुक में जिक्र कर देता है ड्यूओडेनम है, तो कहीं जेजुनम है, कहीं इलियम है, लेकिन ये जेजुनम से लेकर इलियम के बीच में रहता है ये पैरासाइट। व्हाइट कलर का होता है ये, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है इसका, लेकिन एक बात होता है इसमें, जो फर्टिलाइजेशन जो ओवा का होता है ना, वो इसके बॉडी से बाहर होता है। यही ऐसा एक पैरासाइट है जिसका जो ओवा है ना, वो इसके बॉडी से, मतलब पैरासाइट के बॉडी से बाहर फर्टिलाइज करता है, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल ही गैमेट बाहर निकलता है। ये पहला पैरासाइट है। अब हम लोग बात आते हैं इसके मॉर्फोलॉजी पे। तो इसके मॉर्फोलॉजी में आपको मिलेगा एडल्ट वर्म, जैसे मेल का लंबाई थोड़ा बड़ा होता है और टेल सीधा होता है उसका, और यहाँ पर माउथ होता है, और जो फीमेल, जो मेल है थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा सा टेल होता है, कर्व होता है ये यहाँ पे। तो ये आपका हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। 15 से 25 सेंटीमीटर तक होता है मेल का, जो कि 25 से 40 सेंटीमीटर तक फीमेल होती है। 25 से 40 सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा बड़ा ये वर्म होता है ये। इसका अगर हम ओवा देखेंगे ना, तो ओवा कई वैरायटी का मिलेगा। एक ये अनफर्टिलाइज्ड है ना, ऐसा ओवा भी मिलता है कई बार। उसके बाद कई बार ऐसा ओवा मिलता है इसका फर्टिलाइज ओवा, इस तरह से मिलेगा। कभी कभी बहुत अजीब ढंग का इस तरह से जो होता है ना, ऐसा भी ओवा इसका रहता है इसका, है ना, माइक्रोस्कोप में देखने पर मिलता है इसका। लगभग 40 से 60 माइक्रोमीटर का इसका लार्वा होता है, सॉरी ओवा होता है। इसी में लार्वा भी बनता है तो उतना ही साइज का रहता है वो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल इसका कैसे होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो पैरासाइट है इसका एडल्ट वर्म से, वहाँ से क्या होता है लाइफ साइकिल बनाने में बहुत आसान हो जाएगी। तो इसका जो मेल और फीमेल दोनों एडल्ट वर्म, ये हुमेन है, हुमेन का इंटेस्टाइन। इसके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के म्यूकोसल वाल से ये जो एडल्ट वर्म होता है ना अटैच रहता है, और यहाँ पर ये फीमेल है और इसी के साथ मेल भी इसके साथ अटैच रहता है। इसके साथ ही दोनों सेक्सुअली मीट करता है दूसरे के साथ, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। दोनों क्या है? सेक्सुअली मीट। तो सेक्सुअली मीट, एडल्ट वर्म लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर सेक्सुअली मीट बोथ एडल्ट रिलीज ऑफ गैमेट, रिलीज ऑफ गैमेट है ना, एक्सटर्नली रिलीज। तो फीमेल एडल्ट रिलीज फीमेल गैमेट, मेल गैमेट रिलीज मेल गैमेट। नेक्स्ट पॉइंट, द मेल एंड फीमेल सम ओवा बिकम्स फर्टिलाइज एंड सम नॉट फर्टिलाइज। बोथ पास थ्रू स्टूल।
नॉन फर्टिलाइज ओवा नॉट सर्वाइविंग सॉइल, नॉन फर्टिलाइज ओवा नॉट सर्वाइविंग सॉइल, वेयर एज फर्टिलाइज ओवा सर्वाइव इन सॉइल, फर्टिलाइज ओवा सर्वाइविंग सॉइल, याद रखिएगा फर्टिलाइज ओवा क्या हुआ, सॉइल में सर्वाइव करेगा एंड convert into rabid DT from larva and first molting occurs in rabid DT from larva. It is infective stage. It present in contaminated food and water. It enter in man GIT. ठीक है, क्या होगा फिर, wall of ova rupture by gastric juice and larva hatches out. मतलब स्टमक से क्या होगा ना, स्टमक में इसका जो वाल है रप्चर कर जाएगा और रप्चर करने के बाद इसके लार्वा निकल जाएगा, लार्वा निकल के क्या ड्यूओडेनम से पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेप, लार्वा पेनिट्रेट टू ड्यूओडेनम इंटर इन पोर्टल वेन, कहाँ पर चलेगा, इंटर इन पोर्टल वेन देन कहाँ, लीवर, फिर कहाँ पहुँचेगा, लंग्स, कहाँ पहुँचा, लंग्स, लंग्स में जाने के बाद फिर क्या होगा वहाँ पे, सेकेंड मॉल्टिंग और उसके बाद क्या हो जाएगी, एसेंड का चला जाएगा कहाँ पे, इंटर इन अल्वियोलाई, पेनिट्रेट टू अल्वियोलाई फिर क्या होगा, ये चला जाएगा किसे, ब्रोंकस में, इंटर इन ब्रोंकस ब्रोंकस के बाद कहाँ चला जाएगा फिर, ये यहाँ पर ब्रोंकस में थर्ड मॉल्टिंग के बाद कहाँ चला जाएगा फिर, ग्लॉटिस उसके बाद क्या होगा, यहाँ इंटर कर जाएगा गलेट में, इंटर इन गलेट के बाद कहाँ जाएगा फिर, वो इन स्टमक में कैसा होगा, फोर्थ मॉल्टिंग अब फिर कहाँ जाएगा, इन ड्यूओडेनम, जहां पर क्या हो जाएगी, मैच्योर इन एडल्ट और फिर यही लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगा. देखिए जहां से चले थे वहां से चल गए, एक बार रिपीट कर देते हैं, एडल्ट मेल फीमेल यहाँ पर मैच्योर होगा, यहाँ पर एडल्ट मेल फीमेल दोनों सेक्सुअली मीट करेगा, सेक्सुअली मीट करने के बाद यहाँ पर दोनों का गैमेट बाहर निकलेगा, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों बाहर निकलेगा, दोनों का क्या होगा, उसमें से कुछ ओवा फर्टिलाइज कर जाएगा, कुछ फर्टिलाइज नहीं होगा, जो ओवा फर्टिलाइज नहीं करेगा वो सॉइल में सर्वाइव नहीं करेगा, जो ओवा फर्टिलाइज कर जाएगा वो सॉइल में सर्वाइव करेगा, सॉइल में सर्वाइव करने पर वो क्या करेगा, रेबिट फॉर्म लार्वा बनेगा, रेबिट फॉर्म लार्वा जो होता है इन्फेक्टिव से लार्वा है, वो होता है किसी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, वो मैन में चलावेगा, मैन में आने के बाद वो पहले स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद गैस्ट्रिक जूस के द्वारा वो क्या होता है, उसका फर्स्ट या सेकेंड मॉल्टिंग हो जाता है, उसका वाल रप्चर कर जाता है, लार्वा वहाँ से पेनिट्रेट कर जाता है ड्यूओडेनम को पेनिट्रेट करके पोर्टल वेन में चला जाता है, पोर्टल वेन के बाद वो चला जाता है फिर लीवर में, लीवर के बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में क्या होता है, कैपिलरी में जाकर के वो सेकंड मॉल्टिंग होगा, सेकंड मॉल्टिंग के बाद पेनिट्रेट कर जाता है, चला जाता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस में जाने के बाद वो धीरे धीरे एसेंड करेगा, एसेंड करते करते ट्रेकिया में जाएगा और गला इस तरह खखार बने हम लोग उसको निकल लेते हैं, निकलने के बाद ग्लॉटिस में जाएगा, ग्लॉटिस के बाद क्या हो जाएगी फिर वो, फिर ओसोफेगस में जाएगा, ओसोफेगस के बाद स्टमक में जाकर के चौथा मॉल्टिंग के बाद फिर क्या हो जाएगा, लार्वा चला जाएगा ड्यूओडेनम में जाने के बाद वो क्या हो जाएगी,
अब फिर वो एडल्ट बनेगा, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा आप कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। और अब आते हैं बात इसके पैथोलॉजी पे, तो याद रखिएगा इसका पैथोलॉजी क्या है। सबसे पहला कि एडल्ट कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या करेगा, ये पेस्टल्टी मूवमेंट को कमजोर करेगा, क्या होगा, कंस्टिपेशन डेवलप करेगी, मालन्यूट्रिशन, माल ऑब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम करेगी उसमें। पोर्टल वेन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, बाइल स्टैटिक जॉन्डिस प्रोड्यूस करेगी। लंग्स में क्या करेगा, ब्रोंकाइटिस निमोनिया प्रोड्यूस कर सकता है लंग्स में जाकर के। उसके बाद क्या होगा, लार्वा के माइग्रेशन की वजह से स्नोफिल काउंट बढ़ जाता है। स्नोफिल काउंट बढ़ने से क्या होगी, लोफ्लट सिंड्रोम बोलते हैं। लोफ्लट सिंड्रोम में क्या होता है, आई में इचिंग होगी, नोज इचिंग होगा, थ्रोट इरिटेशन होती है, स्किन इचिंग होती है, ठंड कोल्ड एक्सपोजर में कफिंग होती है। ये सारे कंडीशन को क्या बोलते हैं लोग, लोफ्लट सिंड्रोम, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्नोफिलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम हेलमेंट में आपको यह सिम्टम आने वाला है जो भी हम पढ़ाएंगे उसमें नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में लोग हुक में पढ़ने वाले हैं। इसको इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे लोग, आरियो पिस्टूल, आरियो पिस्टूल में क्या मिलेगा इसमें, ओवा ऑफ राउंड वर्म यह मिलेगा हम लोग उसमें। और इस तरह से लोग पता लगा लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सबसे बेस्ट क्या होता है, अल्बेंडाजोल इमिप्राइड दोनों ग्रुप का जो मेडिसिन आता है उस पेशेंट को देते हैं और पेशेंट फिर ठीक हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग हुक वर्म नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग।